गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 3A. क्वेश्चन फर्स्ट इज 6,78,495 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ एग्जामिनेशन. आउट ऑफ देम 5,57,318 पास्ड. हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन डेट एग्जामिनेशन. मीन्स 6,78,495 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, उसमें से 5,57,318 स्टूडेंट्स पास हुए हैं. तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल्ड हुए हैं. तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे. तो 6,78,495 में से आप 5,57,318 को माइनस करेंगे. 5 माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल. आप 1 बोरो लेंगे तो 15 माइनस 8 आंसर इज 7. 8 माइनस 1 आंसर इज 7. 4 माइनस 3 आंसर इज 1. 8 माइनस 7 आंसर इज 1. 7 माइनस 5 आंसर इज 2. 6 माइनस 5 आंसर इज 1. मतलब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1,21,177 स्टूडेंट फेल्ड इन एग्जामिनेशन. क्वेश्चन सेकेंड इज जितेंद्र हैड रुपीज 60,392 इन हीज बैंक अकाउंट. ही बोथ, जो जितेंद्र है उसके बैंक अकाउंट में 60,392 रुपीज़ है. फिर ही बोथ अ स्कूटर ऑफ द रुपीज़ 28,392. स्कूटर खरीदने में वह 28,392 रुपीज़ खर्च कर देता है. तो अब बताना है हाउ मच मनी इज़ द लेफ्ट इन हीज बैंक अकाउंट. मीन्स उसके बैंक अकाउंट में कितना रुपीज़ बचा है. तो स्टूडेंट्स आप 60,392 में से 28,392 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 माइनस 2 आंसर इज 0. 9 माइनस 9 आंसर इज 0. 3 माइनस 3 आंसर इज 0. एंड 0 माइनस 8 इज़ नॉट पॉसिबल. आप 1 बोरो लोगे तो 10 माइनस 8 आंसर इज 2. 5 माइनस 2 आंसर इज 3. मीन्स टोटल अमाउंट बचेगा आपके पास 32,000 इज द लेफ्ट इन बैंक अकाउंट. क्वेश्चन थर्ड इज अ पब्लिशर प्रिंटेड 18,65,390 बुक्स ऑफ फिजिक्स. इफ 15,37,000 books were left with him at the end of year. How many books were sold during the year. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 18,65,390 में से 15,37,000 को माइनस कर देंगे. सो स्टूडेंट 0 माइनस 0 आंसर इज 0. 9 माइनस 0 आंसर इज 9. 3 माइनस 0 आंसर इज 3. 5 माइनस 7 इज़ नॉट पॉसिबल. आप कैरी पास करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 आंसर इज 8. 5 माइनस 3 आंसर इज 2. 8 माइनस 5 आंसर इज 3. 1 माइनस 1 आंसर इज 0. तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3,28,319 बुक्स वेयर सोल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर. क्वेश्चन फोर्थ इज देयर वेयर 32,568 बैग्स ऑफ द वीट इन द गोडाउन. गोडाउन में 32,568 बैग्स है. आउट ऑफ देम 4,679 बैग्स वेयर टेकन आउट. मतलब 4,679 बैग्स वहाँ से हटा लिए. तो अब आपको ये बताना है हाउ मेनी बैग्स ऑफ वीट आर लेफ्ट इन अ गोडाउन. गोडाउन से कितने बैग लेफ्ट हो गए हैं. फाइनली सॉल्यूशन इज 32,568 में से आप 4,679 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 9 इज़ नॉट पॉसिबल. आप 1 बोरो लोगे तो 18 माइनस 9 आंसर इज 9. अब यहाँ पे आएगा आपका 5. तो आपने 1 बोरो लिया तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 आंसर इज 8. यहाँ आपका आएगा 4. आप 1 बोरो लोगे तो 14 माइनस 6 आंसर इज 8. आपका बचेगा 1. फिर आपने 1 बोरो लिया तो 11 माइनस 4 आंसर इज 7 और 2 ऐसे ही नोट कर देंगे. तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 27,889. नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आपका 3,24,938 ब्रिक्स वेयर बोथ द मेक वॉल. एक वॉल को बनाने में 3,24,908 ब्रिक्स मतलब ईंटों की ज़रूरत है. हाउ यूवर ओनली 2,38,202 ब्रिक्स वेयर
यूटिलाइज्ड मतलब इतनी ईंटों का यूज़ किया गया है, हाउ मैनी ब्रिक्स वेयर लेफ्ट बिहाइंड मतलब टोटल आपके पास इतनी ब्रिक्स है और इतनी ब्रिक्स यूटिलाइज हो गई है, तो आपको ये बताना है कि कितनी ब्रिक्स और बची है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में माइनस करेंगे, तो आप 324,918 में से 238,202 को माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप 8-2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6, 3-0 आंसर इज 3, 9-2 आंसर इज 7, 4-8 इज़ नॉट पॉसिबल, 1 बोरो लोगे तो 14-8 आंसर इज 6, 1-3 इज नॉट पॉसिबल, आप 1 बोरो लोगे तो 11-3 आंसर इज 8 एंड 2-2 आंसर इज 0। तो फाइनली आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट 86,736 ब्रिक्स वेयर लेफ्ट बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 25,716 इफ द लार्ज नंबर इज द 78,165। तो स्मॉलर नंबर आपको फाइंड करना मतलब टू नंबर्स का डिफरेंस 25,716 है, लार्ज नंबर 78,165 है, तो आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे जो लार्ज नंबर है उसमें से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन 78,165 माइनस 25,716, 5-6 इज नॉट पॉसिबल, 1 बोरो लिया आपने तो आपका हो जाएगा 15-6 आंसर इज 9, 5-1 आंसर इज 4, 11-7, 1 बोरो लेकर आपने 11 बनाया है तो 11-7 आंसर इज 4 एंड 7-5 आंसर इज 2, 7-2 आंसर इज 5। फाइनली स्मॉलेस्ट नंबर आपका होगा 52,449 इज द स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट शुड बी द एडेड टू 27,13,746 टू गेट 39,93,417, मीन्स इस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि ये नंबर आ जाए। तो फाइनली जो नंबर हमें गिवन है उसमें से हम 27,13,746 को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2-6 इज़ नॉट पॉसिबल, 1 कैरी लेंगे तो 12-6 आंसर इज 6, 6-4 आंसर इज 2, 4-7 इज़ नॉट पॉसिबल, कैरी 1 लेंगे मतलब हम बोरो लेंगे 1, तो ये 14-7 आंसर इज़ 7, 2 बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट तो हम 1 बोरो लेंगे तो 12-3 आंसर इज़ 9, 8-1 आंसर इज़ 7, 9-7 आंसर इज़ 2, 3-2 आंसर इज़ 1, फाइनली आंसर होगा आपका 12,79,726। एक्सरसाइज 3F कंप्लीट।